समय का चरखा चलते चलते लिखने लगा कहानी, महिलाओं के श्रम की गाथा। सुन लो मेरी जुबानी, मैं समय का सारथी हूं। समय की सुइयों के साथ चलने वाला एक अनोखा चरखा हूं, जिसने बुना है अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल का ताना बाना। भारत देश के बृहत्तर महिला संगठनों में एक नाम अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल, 400 शाखाओं, 60,000 सदस्यों की विराट सेना के साथ शिक्षा, सेवा, संस्कार, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए सराहनीय कार्य करने वाला अनूठा मंच अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल। 40 साल पूर्व जिसका भाग्योदय हुआ, आज वह सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में सम्मानित होने लगा है। इस राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले संगठन के प्रथम पदचिन्हों के स्वप्नदृष्टा थे आचार्य श्री तुलसी। जब समाज रूढ़ियों के दंश की दास्ता भोग रहा था, घूंघट में सिमटा था नारी का नारीत्व, जिन्होंने संकल्प किया नारी समाज को अपनी शक्ति का एहसास करने का, जागृति का संदेश पाकर महिला समाज ने अंगड़ाई ली, सभी बहनों को एक छत के नीचे संगठित करने की योजना बनने लगी। उसके परिणाम स्वरूप महासती लाड़ा जी के उर्वर चिंतन से 1952 में स्थानीय स्तर पर एक संगठन महिला मंडल का गठन हुआ। धीरे धीरे अनेक स्थानों पर महिला मंडल संगठित होने लगे। विकास की राहों को अंजाम देने के लिए स्थानीय स्तर के संगठनों के ऊपर एक केंद्रीय संस्था महामंडल का गठन हुआ सन 1966 लाडनू में। पूज्यवर की कृपा से दीर्घ दक्षिण यात्रा की संपन्नता के बाद महामंडल अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के रूप में परिवर्तित हो गया। सन 1976 में विधिवत अध्यक्षीय नेतृत्व संभाला सेवाभावी साहसी श्राविका श्रीमती माणक देवी सिंघी ने। शुरू हुआ नेतृत्व की छाव में विकास का सिलसिला। एक के बाद एक होनहार महिलाओं ने संभाली संस्था की डोर, बनी संस्था की अनोखी पहचान। साध्वी प्रमुखा श्री जी के निर्देशन में संस्था लेने लगी आकार, होने लगे जागृति के सपने साकार। समय का चरखा चलते चलते लिखने लगा कहानी, महिलाओं के श्रम की गाथा। सुन लो मेरी जुबानी, मैं समय का सारथी हूं। सन 1982 में संस्था का वैधानिक रजिस्ट्रेशन हुआ, एक व्यवस्थित संविधान बना, नारी रत्न अलंकरण का शुभारंभ हुआ। सन 1983 से 1991 तक
दबंग व साहसी अध्यक्ष श्रीमती सज्जन देवी चोपड़ा के श्रम से संस्था उभरने लगी। संस्था का लोगो बना। पूरे देश भर में एक समान केसरिया गणवेश का निर्धारण हुआ। आचार्य तुलसी के हीरक जन्मोत्सव योगक्षेम वर्ष 1979 में बहनों का कर्तृत्व समाज के सामने आया। संस्था का कार्यालय रोहिणी भवन का निर्माण हुआ। धन्य हो गई संस्था अपना मुख्य कार्यालय पाकर। सन 1992 में जैन जीवन शैली आयाम के स्वर महिला मंडल के प्रयास से समाज में मुखरित हो उठे। ट्रस्ट मंडल का विधिवत गठन हुआ। 1995 में महिला मंडल के लिए एक अनोखा अवसर लाडनू में 4 माह तक महिलाओं को गुरु सन्निधि की संपूर्ण व्यवस्थाएं सौंपी गई। प्रतिभा पुरस्कार का शुभारंभ हुआ। किंतु अचानक नारी उन्नायक महामसीहा आचार्य तुलसी 1997 में चिरनिद्रा में लीन हो गए। समय मौन हो गया। मेरे चरखे की गति स्तब्ध हो गई। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ 10वें अधिशास्ता के रूप में संघ को नई ऊर्जा प्रेषित करने लगे। उन्नत कृपा पाकर आचार्य तुलसी स्मारक के निर्माण का दायित्व अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल को सौंपा गया। सन 2000 में संस्था का रजत जयंती वर्ष मनाया गया। 25 साल के अनुभवों से जुड़ी स्मारिका अस्मिता का प्रकाशन हुआ। नई उमंगों के साथ बढ़ चले चरण नए लक्ष्य की ओर। आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना का हुआ शुभारंभ। सन 2003 में पहला आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार समारोह का समायोजन हुआ जलगांव में। विसर्जन योजना की पूर्ण जिम्मेवारी मिली अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल को। सन 2006 में कन्या सुरक्षा वर्ष की घोषणा हुई। यूनेपी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का साथ मिला। महाश्रमणी जी के कृपा कर संस्था को शक्तिवर्धक नए गीत प्रदान किए। आओ चले गांव की ओर योजना को आकार मिला। सन 2007 में श्राविका गौरव अलंकरण की शुरुआत हुई। सन 2009 में आचार्य तुलसी स्मारक के नवीन स्वरूप का आचार्य महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में लोकार्पण हुआ। डाक विभाग की स्वीकृति से कन्या सुरक्षा आवरण पत्रों का प्रकाशन हुआ। 9 मई 2010 को फिर एक वज्रपात। आचार्य महाप्रज्ञ का देवलोक गमन। लेकिन संघ की पुन्नाई आचार्य महाश्रमण की सन्निधि, जिनके अनुशासना में पहली उपलब्धि थी, सरदार शहर में कन्या सुरक्षा आवरण पत्रों के अधिकतम प्रकाशन रिकॉर्ड से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में संस्था का नाम दर्ज हुआ।
सन 2011 में केलवा की धरती पर आचार्य महाश्रवण के अमृत महोत्सव पर जैन स्कॉलर योजना का शुभारंभ हुआ। सन 2013 में संस्था को मिला राजस्थान सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ संस्था का सम्मान, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मिला आउटस्टैंडिंग एक्सलेंस अवार्ड, यूके लंदन आलमा एसोसिएशन द्वारा मिला टॉप 10 एक्सलेंस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, अनेक सम्मान व प्रशस्ति पत्रों की अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी में मुख्य कार्यालय रोहिणी भवन का नव निर्माण हुआ, अभिभावकों के लिए चित्त समाधि केंद्र संचालित होने लगा, आरोग्य सेवा के लिए आचार्य महाश्रवण फिजियोथेरेपी सेंटर जैसी स्थायी योजना प्रारंभ हुई। तत्वज्ञान 13 पंथ दर्शन पाठ्यक्रम को संपोषण मिला, प्रशासनिक व्यक्तियों से संपर्क बना, फिल्मी सितारों से वार्ताएं हुई, सभी शाखा मंडलों के सहयोग से संस्था ने महत्वपूर्ण छवि बनाई और इस महत्वपूर्ण छवि से पुष्ट बने हमारा सांस्कृतिक अस्तित्व, पल्लवित रहे आध्यात्मिक आस्था, स्वस्थ बने समाज, सुरक्षित रहे नारीत्व। आने वाले 10 वर्षों में स्वर्ण जयंती के मुकाम पर पहुंचते पहुंचते उपलब्धियों के साथ महके ये चमन, हमारी संस्था बने विश्व स्तर पर नंबर वन, ऐसा चिरस्थाई हो हमारा अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल, अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल।